दोस्तों, संसार में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, आपको पशुपति का अर्थ बतलाते चलें। पशुपति का अर्थ होता है जीव अथवा प्राणी का स्वामी। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान पशुपतिनाथ जी हैं। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास इस प्रकार है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्ययुग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480 ईस्वी, ललितपुर 1566 ईस्वी और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हैं। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। मंदिर के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। दोस्तों, यह मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5ों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये 4ों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक बड़ा ही सुंदर मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं।
मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर से 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। परिसर के भीतर दो गर्भगृह है, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहाँ शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुधानीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियाँ प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, मंदिर के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। प्रथम पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी पौराणिक कथा है, कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी पौराणिक कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।